नेपाल के पोखरा में येती एयरलाइंस के प्लेन हादसे में कई जिंदगियां बिखर कर रह गईं। इसी फ्लाइट में 4 भारतीय युवक भी सवार थे, जिन्होंने इस विमान हादसे से ठीक पहले फेसबुक पर लाइव वीडियो शेयर की थी। इस वीडियो में इनके चेहरों पर मुस्कान देखी जा सकती है। वीडियो सोनू जायसवाल बना रहे थे, जिनके साथ इनके बाकी 3 दोस्त विशाल शर्मा, अनिल राजभर और अभिषेक कुशवाहा भी बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि इन चारों की उम्र 23 से 28 साल के बीच थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले चारों दोस्तों के एक साथ निधन से इनके गांवों में मातम पसरा पड़ा है। इनके साथ इस विमान में सवार सभी 72 लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे की वीडियो को जिसने देखा वो सन्न रह गया। बताया जा रहा है कि ये चारों दोस्त पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के बाद बस से पोखरा जाने वाले थे, लेकिन फिर अचानक ही इनका प्लान बदला और इन्होंने प्लेन से जाने का फैसला किया, लेकिन इनकी ये उड़ान इनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुई। इस हादसे के बाद प्लेन का ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है, जिससे इस हादसे के कारणों पर से पर्दा उठ सकेगा। ये वीडियो जिस सोनू जायसवाल ने लाइव की थी, वो अपने परिवार में 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी 2 बेटियां हैं, जबकि कुछ ही समय पहले इनके बेटे का जन्म हुआ है। इनके निधन से परिवार सदमे में है। इन चारों दोस्तों में सबसे कम उम्र के विशाल शर्मा थे। 23 वर्षीय विशाल शर्मा के परिवार में इनकी बीमार माँ है। बताया जा रहा है कि इनकी माँ को अभी तक इनके निधन की जानकारी नहीं दी गई है। ये एक बाइक एजेंसी में काम किया करते थे। इनके तीसरे दोस्त अनिल किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे, जबकि आजीविका के लिए एक किराने की दुकान भी चलाया करते थे। इस हादसे में जान गंवाने वाले अभिषेक कुशवाहा भी अपनी दुकान चलाते थे। ये चारों दोस्त 12 जनवरी को वाराणसी के सारनाथ गए थे। वहीं से एक साथ ये नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। फिर वहां से ये पोखरा के लिए फ्लाइट से रवाना हुए, लेकिन फिर विमान हादसे में इनका दुखद अंत हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।